अस्सलाम वालेकुम संगत, ही तां दिसी रहया वाक्यो कि जो को आ कराची खां पिंडी वनी रही तेजगां स्पेस उन जी गाड़ी के बाह लगी वही आ ही दिसी सगोता तां जो कौन ही दिसो खुदा जाने केड़ी वजह तो लगी आ ते चार सबब थी सकंदा बस इन में का अल्लाह जी रजा ही होई जपान जैन अल्लाह जी रजा दिसो तो तौबा अस्तगफरुल्लाह ही मानू जपान ही डबो तो पूरो मानू सा भरल होयो खुदा मुझे अंदाजे में तो पूरो सड़ी हो एक अमरा दिसो खिड़की खां अरे खुदा के बंदे ऐसा ना करो अस्तफुल्ला आई तमा दिसी रहया हो ता तांगी दिसा रे रहया हूं लो ये दिसी सब ये देखो उठरे चार डब्बा ता से कंप्लेन की दुकान सही हो डब्बा तोड़े वो रे कया है हु कोना है हो रे कया नहीं ता दिसी सब ता ये बीच में बा लग गया डब्बे के बीच में आगे आगे मैंने के लग गया ये वापस उठा शायद अल्लाह ने बचा दिया बहुत बड़ा अल्लाह ने करम मोबाइल मोबाइल की मोबाइल पढ़ रहे मिनट से करम एकदम जो धुआं है ना और ये रात होती है ना शाज बशाज इसमें आग लगी उसमें चलो भाई चलो एक साइड में चले जाओ मेहरबानी करो जरूरत शरीफ पिट लगी होगी आग लगी पड़ी अपने
हेलो आग लगी पड़ी है। हेलो आग लगी पड़ी है। हेलो हेलो चलो भाई चलो एक साइड में चले जाओ मेहरबानी करो। जो आग लगी है इसमें तमाम जो ना मीडिया के ऊपर खबरें हो रही हैं कि जो ना सिलेंडर जला है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं जला। स्टेशन पे तमाम सिलेंडर चेक कराए गए हैं, सबकी गैसें निकाल दी गई हैं और जो आग लगी है वो लगी है स्लीपर के अंदर जो एसी है, और एसी के अंदर जो है जो सिलेंडर है वो अलाव है ही नहीं वैसे भी, ठीक है ना। जो इनके साथी हैं जो जो यहाँ के अमला है वो बता रहे हैं कि पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो 3-4 दिन से था और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा है नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेज़ी से आग भड़की है, उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है, कोई अमला नहीं था, कोई पुरसान हल नहीं था, ठीक है ना। और जो उनकी जंजीर होती है मतलब चेन चेन होती है वो भी काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। कोई इमरजेंसी की सहूलियत नहीं थी और ना आग बुझाने की फायर थी, ठीक है ना। तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है ना खुद रेलवे की है और आला हुकाम की है, उनका नोटिस लें। जो जमात वाले थे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना सिलेंडर जला हो, बाकायदा यहाँ के अभी सब मौजूद हैं, तहकीकात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बात है वो सब क्लियर हो जाएगी। ये बिलावा जगह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात वाले जो हैं वो जो सिलेंडर की वजह से आग लगी है। शेख रशीद तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि इस नाम नहाद प्रोपेगेंडे को जो है ख़त्म किया जाए और जो असल वजूहत है वो सामने लाई जाए।